सो बेसिकली हम लोग टेम्पोरल रिडंडेंसी के थ्रू कंप्रेशन कैसे अचीव किया जाता है, इंटर फ्रेम कंप्रेशन कैसे अचीव किया जाता है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम मल्टीपल फ्रेम्स को इंक्लूड करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं फ्रेम्स का, और फिर उस ग्रुप में से कुछ फ्रेम को इस तरह से हटा देते हैं या कम उसका साइज कर देते हैं कि ओवरऑल वो ग्रुप अगर पहले 15 फ्रेम फुल साइज में था तो अब जो आपका फ्रेम आएगा वो जस्ट 4 या 3 इस टाइप से फ्रेम उसमें रहेंगे, बाकी के फ्रेम्स को हम कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रेम में। वो जो कंप्रेशन है इंटर फ्रेम कंप्रेशन वो अचीव किया जाता है थ्रू फ्रेम्स को कैटेगराइज करके। सारे फ्रेम एक इमेज ही होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फ्रेम को हम आई फ्रेम बोलते हैं, कुछ फ्रेम को हम पी फ्रेम बोलते हैं, और कुछ फ्रेम को हम बी फ्रेम बोलते हैं। अब वो किसके बेस पर बोलते हैं, किन किन फ्रेम को हम आई फ्रेम बोलेंगे, किसको बी और किसको पी, और उनका क्या पर्पस है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेम है दैट इज आई फ्रेम, इंट्रा कोडेड फ्रेम। एक बार फिर से इसको समराइज करें तो इंट्रा कोडेड फ्रेम कौन से फ्रेम होते हैं जिनके अंदर हम एक ही फ्रेम के अंदर कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक जेपीईजी। जैसे जेपीईजी इमेज में एक इमेज के अंदर हम कंप्रेशन अप्लाई कर रहे थे, सेम हम यहाँ पर एक फ्रेम के अंदर कंप्रेशन अप्लाई करते हैं जिसको हम इंट्रा कोडेड फ्रेम या आई फ्रेम बोलते हैं। ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन्स ना तो कंप्रेशन में ना ही डी कंप्रेशन में इनको किसी और फ्रेम पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रेम्स। अब कुछ और फीचर्स थे आई फ्रेम के साथ में कि आई फ्रेम क्योंकि एक सिंगल फ्रेम को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो अगर अपने पूरी इमेज में ज़्यादा आई फ्रेम होंगे तो कंप्रेशन उतना ज़्यादा हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये फ्रेम सिर्फ इंटरनली कंप्रेस हो रहे हैं, ज़्यादा कंप्रेशन हमको इंटर फ्रेम कंप्रेशन में मिलता है। तो बाकी के जो फ्रेम्स हैं अपने टाइप्स हैं वो इस टाइप के नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते और ना ही इंट्रा कोडेड होते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज भी अपने पास है कि इंडिपेंडेंट है, डिसएडवांटेज भी अपने पास है कि ओवरऑल साइज को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। और इनकी ज़रूरत ज़्यादा कहाँ पर होती है, ऐसे वीडियोस में जहाँ पर कि सीन्स या फ्रेम्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं फ्रिक्वेंटली। अगर एक वीडियो है लेट सपोज किसी लेक्चर की, जैसे कि सपोज आप जैसे यूट्यूब पे देखते हैं तो एक कोई लेक्चर देख रहे हैं या किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं, तो वो पर्सन फिक्स होता है, एक ही पर्सन बोलता रहता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी सेम होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी मैं बैठी हूँ, फिक्स है वो, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वो फिक्स है। तो यहाँ पर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का हर एक फ्रेम में रिपीटेशन हो रहा है, राइट। लेकिन जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो वहाँ पर इस टाइप का कोई रिपीटेशन ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग सीन्स दिखाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वहां पर जो आई फ्रेम्स होते हैं वो वहां के लिए ज्यादा आइडियल होते हैं चेंजेस को शो करने के लिए, ठीक है। कैसे, वो हम अभी नेक्स्ट टाइप के जब फ्रेम पढ़ लेंगे तब हमको वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये था अपना आई फ्रेम। नेक्स्ट है इसके अंदर पी फ्रेम। पी फ्रेम स्टैंड्स फॉर प्रिडिक्टेड फ्रेम्स, प्रिडिक्टेड फ्रेम्स, प्रिडिक्ट किए जाते हैं ये फ्रेम्स, ठीक है। पी फ्रेम्स कैन यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस फ्रेम टू कम डीकम्प्रेस एंड आर मोर कंप्रेसिबल देन आई फ्रेम्स। अब आ गए ये फ्रेम हमारे डिपेंडेंट फ्रेम्स। पहले आई फ्रेम हमारे क्या थे, इंडिपेंडेंट फ्रेम्स थे, बट जो अपने पी फ्रेम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आई फ्रेम पर, डीकम्प्रेशन के टाइम पर, ठीक है। सपोज मेरे पास 4 फ्रेम है एक वीडियो के अंदर, लेट सपोज मेरे पास 4 फ्रेम है। फर्स्ट फ्रेम को मैंने आई फ्रेम बना दिया, तो आई फ्रेम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एज कम्पेयर टू अदर फ्रेम ज़्यादा होगी, क्योंकि वही एक आई फ्रेम है। मैं कह रही हूँ कि मेरा जो सेकेंड फ्रेम है वो पी फ्रेम है, और वो अपनी जो वैल्यूज है वो कहाँ से लेगा, आई फ्रेम से लेगा। मैंने कहा कि रिपीट, ठीक है, पहला फ्रेम आया फिर मैंने कहा रिपीट 4 टाइम, तो रिपीट 4 टाइम जब दूसरा फ्रेम प्रोसेस होगा तो उसको मैंने कमांड दी है रिपीट, तो रिपीट किससे करे, वो कहाँ से डेटा को लेकर के आए, वो सोर्स भी तो उसके पास होना चाहिए रिपीट का। आपको मैं कहूँ कि आपको रिपीट करना, तो आप कहोगे मैम क्या रिपीट करना है,
अगर मैं कहूँ कि एक असाइनमेंट मैंने दिया है, लास्ट असाइनमेंट को आप रिपीट कर दो, तो जब मैंने कोई लास्ट असाइनमेंट अभी तक दिया ही नहीं है तो आप रिपीट किस चीज़ को करोगे, राइट? आपका क्वेश्चन होगा रिपीट तो करें बट किस चीज़ को करें? एक बार तो वो चीज़ करी भी होनी चाहिए ना जिस चीज़ को हम रिपीट करें। तो यहाँ पर आई फ्रेम वो फर्स्ट असाइनमेंट है और बाकी के चार वो असाइनमेंट है जिनको मैं रिपीट करने को बोल रही हूँ। तो बाकी के असाइनमेंट की जब टर्न आएगी तो वो डिपेंड करेंगे आपके उस फर्स्ट असाइनमेंट पे जो कि एक बार आप पूरा कर चुके हो, उसी से आप क्वेश्चन लेकर के आओगे, उन्हीं के आप आंसर दोबारा लिखोगे। तो आई फ्रेम आपका वो फर्स्ट उस टाइप के फ्रेम है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिन पे फुल वैल्यूज होती है पिक्सल्स की अपनी, सब कुछ कलर्स वगैरह सब कुछ सेव करता है वो आई फ्रेम। देन आपके जो पी फ्रेम होते हैं वो प्रिडिक्टेड फ्रेम होते हैं और अपनी वैल्यूज के लिए डिपेंडेंट होते हैं आई फ्रेम्स पे। और मोर कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि ये सारी वैल्यूज को कंटेन नहीं कर रहे हैं जितने की आई फ्रेम करता है, इनको जस्ट अपनी वैल्यूज को उसके बेस पर पिक करना है डीकंप्रेशन के टाइम पर। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा था कि ये क्या करते हैं, अपना डेटा कहाँ से गेट करते हैं, प्रीवियस फ्रेम से डीकंप्रेशन के टाइम पे, और मोर कंप्रेसिबल होते हैं देन आई फ्रेम। पी फ्रेम आर बेस्ड ऑन प्रीवियस आई एंड पी पिक्चर्स, पी पिक्चर्स या पी फ्रेम, ठीक है? ये अपने से पहले वाले पी पिक्चर्स या पी फ्रेम जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं अपने से पहले वाले जो आ चुके फ्रेम्स हैं आई फ्रेम और पी फ्रेम, उन पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ आई पे नहीं, अपने से पहले जो पी फ्रेम्स हैं उन पे भी डिपेंड करते हैं ये। दिस मीन्स दे कैन reuse existing part of the image and therefore take up much less bit than the eye pictures. क्योंकि ये repeat कर रहे हैं data को, that means ये actually उस data को hold नहीं कर रहे हैं, इनके पास just repeat की command है और वो अपने से पहले वाले eye और p frame से data को लेके आते हैं। That means ये कम number of bit store करते हैं as compared to eye frames. However, p picture may decrease the image quality if there are too many changes from the previous frames. P frames की वजह से कभी कभी image quality, video quality decrease हो सकती है। अगर आपने बहुत सारे P frame अपने video में include किए हैं और changes बहुत frequent है, like movies, ठीक है? Changes बहुत frequent है कि हर एक second के अंदर multiple frames आ रहे हैं और वो multiple frames अलग अलग values के हैं, तो वहाँ पर repeat जो चीज़ होगी वो कम होगी, ठीक है? रिपीटेशन कम होगा उन पिक्सल्स का पर्टिकुलर लोकेशन पे, हर बार चेंज हो रहा होगा, तो वहाँ पर अगर आपने ज़्यादा पी फ्रेम रखे हैं तो वहाँ पर इमेज क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है, बिकॉज वो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं उठा पाएंगे उस केस में। अगर एक न्यूज़ एंकर बोल रहा है उस केस में तो वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू को उठा लेंगे कि इस वैल्यू पे ये है ये है, बट अगर आपने मोर पी फ्रेम्स रखे हैं तो वो प्रिडिक्टेड फ्रेम है तो वो ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आई कम है और पी ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि फ्रिक्वेंट चेंज हो रहे हैं, आफ्टर वन और टू फ्रेम कुछ और हो रही है वैल्यूज, तो आई फ्रेम को बार बार वहाँ पर इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी। द ऑप्शन टू डिटेक्ट सीन चेंज इज एन एनकोडर विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट एन आई फ्रेम इफ द डिटेक्ट अ बिग चेंज बिटवीन टू फ्रेम्स। अब ये आई फ्रेम कहाँ पर रखना है, पी फ्रेम कहाँ पर रखना है, बी फ्रेम कहाँ पर रखना है, वो यूज़र डिसाइड नहीं करता है, वो आपका जो कंप्रेशन आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर आई फ्रेम की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर पी फ्रेम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उस फ्रेम्स में तो वो कम आई फ्रेम रखेगा और वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस्ड होकर आपको मिलेगी, और अगर बहुत फ्रिक्वेंट चेंजेस है तो बार बार आई फ्रेम्स को प्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? हाँ दीक्षांत, तो ये होते हैं अपने पी फ्रेम जो कि प्रिडिक्टेड फ्रेम है। प्रिडिक्शन आपको पता ही है कि कुछ चीज़ पहले ही एडवांस में प्रिडिक्ट करना कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है? मतलब कि जैसे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कल का वेदर कैसा रहेगा, और किस बेस पर प्रिडिक्ट करते हैं कि आज का कैसा था, जनवरी में कैसा होता है जनरली, ठीक है? उसके बेस पर, यानी कि प्रिडिक्शन जो हमारी होती है वो बेस्ड होती है किसी ना किसी चीज़ पे, फैक्टर्स पे, फैक्ट पे।
तो वो फैक्ट जब अपने पास होंगे तभी हम उस चीज को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो पी फ्रेम भी सिमिलर है बिल्कुल, पी फ्रेम भी अपनी जो वैल्यूज है उनके लिए डिपेंड करते हैं अपने से पहले वाले आई फ्रेम्स पर और पी फ्रेम्स पर अपनी वैल्यूज के लिए, ठीक है। और अगर आपका ऐसा वीडियो है जिसमें कि फ्रेम्स के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है तो वहाँ पर ज़्यादा पी फ्रेम्स होते हैं और वो ज़्यादा कंप्रेशन भी प्रोवाइड कर पाते हैं फिर। लेकिन अगर आपकी वीडियो कुछ ऐसी है जिसमें कि फ्रेम बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पर पी फ्रेम, नंबर ऑफ पी फ्रेम्स कम होंगे, आई फ्रेम ज़्यादा होंगे, सो दैट एक्यूरेट सीन्स को वो वीडियो दिखा पाए। Now, last type of frames is B-frame, bi-directional frames. ठीक है, bi-directional frames can use both previous and forward frames for data reference to get the highest amount of data compression. अब ये जो अपने B-frame होते हैं, last type of frame, तीन type के frame है अपने पास, I, P and B. I intercoded, P predicted और bi-directional जो आपके frames हैं वो अपने से पीछे वाले और अपने से आगे वाले दोनों फ्रेम्स पर डिपेंड करते हैं अपनी वैल्यूज के लिए, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, बाई डायरेक्शनल, जो दोनों डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंप्रेशन एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, पी फ्रेम्स कैन यूज बोथ प्रीवियस एंड फॉरवर्ड फ्रेम फॉर डेटा रेफरेंस टू गेट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। B pictures are based on past and future I and P frames. अपने से पहले वाले I and P frame और अपने से बाद वाले I और P frame पे डिपेंड करते हैं। एक B frame दूसरे B frame पे कभी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, अपने से पहले वाले IP और बाद वाले IP पे ही डिपेंड करता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट कंप्रेशन बट एज विथ P pictures have problem when the image changes too much. Also bear in mind that B pictures cannot be based on other B picture. So don't use too many in a row or the image quality may suffer, especially if there are any cuts or sudden changes. Again, जहाँ पर similarities ज़्यादा हैं frames के बीच में वहाँ पर more B frame आपको more compression provide कर सकते हैं और exact output भी देंगे। But ऐसी video जहाँ पर sudden changes है, बहुत ज़्यादा frequent changes है frames के बीच में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बी फ्रेम को अगर आपकी टेक्निक पुट कर रही है तो वो आपकी क्वालिटी को अफेक्ट करेगी। तो टेक्निक्स जो अपनी होती है, जैसे एमपैग हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एमपैग के अंदर वो पहले पूरी वीडियो को देखेगी, उसके फ्रेम्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने चेंजेस हैं, उसके बेस पर बी फ्रेम को बीच बीच में पुट करेंगी, ठीक है। बीच बीच में पुट करने का मतलब है आई भी होंगे, पी भी होंगे और बी भी होंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देती है एमपैक टेक्निक पूरे। अगर आपके पास सपोज 100 फ्रेम्स हैं पूरी वीडियो के अंदर, लेट सपोज 100 फ्रेम्स हैं, तो उन 100 फ्रेम्स में वो ग्रुपिंग कर देगी, 15-15 फ्रेम्स, 20-20 फ्रेम्स, ऐसे, ठीक है। अब उन लेट सपोज उसने किया 15-15 फ्रेम, 15-15 फ्रेम का ग्रुप बना दिया। अब उन 15 फ्रेम में से कुछ आई फ्रेम होंगे, कुछ पी फ्रेम होंगे और कुछ बी फ्रेम होंगे, ठीक है। उन 15 फ्रेम में आई, पी और बी तीनों टाइप के फ्रेम होंगे, ऐसे ही हर एक ग्रुप में होगा, ठीक। अब एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं कि कितने आई होंगे, कितने पी होंगे और कितने बी होंगे। डिपेंडिंग अपॉन कितने चेंजेस है उस वीडियो के अंदर उन फ्रेम्स में, उसके बेस पर आपकी जो टेक्निक है एमपैक वो क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग आई फ्रेम रखेगी, उसके अकॉर्डिंग पी रखेगी और उसके अकॉर्डिंग बी रखेगी। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं फ्रेम के बीच में तो कम आई होंगे वहाँ पर, क्यों, क्योंकि आई फ्रेम सबसे हैवी फ्रेम्स हैं, ठीक है, जो कम कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तो और उनकी रिक्वायरमेंट कब है, जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं फ्रेम्स के बीच में, तब उनको बार बार प्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा ना कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते हुए आपको वो जो साइन बोर्ड होते हैं जो आपको डायरेक्शन बताते हैं कि इस रूट पर दिल्ली है, यहाँ आगरा है, यहाँ ये है वो, तो हर जगह नहीं होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर आपको टर्न लेना होता है, जहाँ पर मोर देन वन पाथ होगा वहीं पर वो होते हैं। ऐसा तो नहीं है पूरी रोड पर वो लगे हुए हैं, जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, हर जगह एक स्ट्रेट रोड जा रही है, ठीक है, तो हमको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि हमको पता है एक ही रोड है, उसी पे आगे जाना है, आगे जाओ या पीछे जाओ, दो ही ऑप्शन है, राइट।
उनकी जरूरत कब पड़ती है हमको, जब हमको कहीं टर्न लेना हो, यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, या दो रास्ते हो कहाँ जाना है, तो तब उन बोर्ड्स की हमको जरूरत पड़ती है। तो ये आई फ्रेम बिल्कुल उन बोर्ड्स की तरह है, अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो उनकी उनको प्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा चल रही है तो पी और बी फ्रेम को रिपीट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कंप्रेशन हमको वहां पर मिल पाए। ठीक है, तो बी फ्रेम जो अपने होते हैं दोज आर बाई डायरेक्शनल फ्रेम, दोनों डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ये अपने से पहले वाले आई और पी फ्रेम पे डिपेंड करते हैं और अपने से बाद वाले आई और पी फ्रेम पे ये फ्रेम्स डिपेंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, बाई डायरेक्शनल फ्रेम कभी भी दूसरे बाई डायरेक्शनल यानी कि दूसरे बी फ्रेम पे कभी डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि आपका जो पी फ्रेम था वो अपने से पहले वाले पी फ्रेम पे भी डिपेंड कर रहा था, लेकिन बी फ्रेम कभी भी अपने से पहले या अपने से बाद वाले बी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ आई और पी फ्रेम पर ही होती है। ठीक, तो ये पॉइंट्स क्लियर हैं सब लोगों को? ओके, नाउ इमेजेस के थ्रू इसको समझेंगे हम लोग। हाँ ऋषिराज, देती हूँ मैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पिक्चर या जीओपी आपका जो होता है, ये एक ग्रुप है पर्टिकुलर किसी वीडियो के अंदर, जो अपने पास मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं उनमें से एक ग्रुप, जो कि सारे ग्रुप सिमिलर होंगे एक जैसे ही होंगे, तो उनमें से एक ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज जीओपी, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर किसी वीडियो के अंदर 100 फ्रेम्स हैं और वो टेक्निक 15-15 फ्रेम्स के ग्रुप लेकर के चल रही है, तो उसका जो एक जीओपी होगा, ग्रुप ऑफ पिक्चर होगा, दैट विल बी ऑफ 15 फ्रेम्स। अब उस ग्रुप ऑफ पिक्चर्स में, ग्रुप ऑफ फ्रेम्स में आई फ्रेम भी होंगे, बी फ्रेम भी होंगे और पी फ्रेम भी होंगे, और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। नंबर ऑफ फ्रेम्स में वेरी, ये फिक्स नहीं है कि एक आई फ्रेम के बाद दो बी आते हैं, देन एक बी आता है फिर दो बी, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन फ्रेम्स, फ्रेम्स में कितने चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स होती है, जैसे कि किसी भी जी ओ पी का स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रेम आई फ्रेम होता है। ठीक है, स्टार्ट भी वो आई फ्रेम से होगा और एंड भी वो आई फ्रेम से ही होगा, बीच में उसके आई फ्रेम और भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अगेन किसके बेस पे, कि फ्रेम्स में कितने चेंजेस आ रहे हैं उसके बेस पर। ठीक, तो ये पर्टिकुलर एक जीओपी हमारी ग्रुप ऑफ पिक्चर्स है, पहला फ्रेम आया देखो आई फ्रेम और लास्ट फ्रेम आया इस जीओपी का आई फ्रेम, बीच में क्या किया इन्होंने, टू टू फ्रेम बी फ्रेम रखे हैं और बीच में आपके पी फ्रेम को पुट किया है, तो कितने फ्रेम हो गए ये मिलकर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसका मतलब ये जो आपकी टेक्निक है ये 10 पिक्चर्स 10 फ्रेम ले रही है एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, और उसने डिसाइड किया है कि उसके जो ग्रुप होगा उसके अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होगा फ्रेम्स का। तो अब अगर हम आई फ्रेम की बात करें तो ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इसको क्यों रखा है, बिकॉज ये क्या करेगा, स्टार्ट आई फ्रेम से ही करेगा क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज कंटेन होती है, तो स्टार्ट करने के लिए इन बी और पी फ्रेम को प्रिडिक्ट करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट आई फ्रेम की ही होगी, वहीं से वैल्यू को उठा के लाएगा पी फ्रेम। ठीक, और ये शो भी किया वैसे ही, यहाँ पर जो आपका पी फ्रेम है, ये जो पी फ्रेम है ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, एक तो अपने से पहले वाले आई फ्रेम पर और अपने से पहले वाले पी फ्रेम पर, क्योंकि इसके आगे कोई पी फ्रेम नहीं है तो ये इस पे किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है पी फ्रेम कभी भी, पी फ्रेम किस पे डिपेंड करता है, अपने से पहले वाले आई फ्रेम पर और अपने से पहले वाले पी फ्रेम पर, जैसे कि ये वाला पी फ्रेम है, बाद पे डिपेंड नहीं करता है। प्रिडिक्टेड फ्रेम या पी फ्रेम हमेशा अपने से पहले वाले आई और अपने से पहले वाले पी फ्रेम पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन दी हुई है ना, मतलब कि पहले ये है देन ये देन ये देन ये देन ये, तो उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो आई फ्रेम है ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, देखो यहाँ से एरो किसी की तरफ नहीं होगा कभी भी, आई फ्रेम से किसी दूसरे पे एरो जाने का मतलब है कि वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे फ्रेम पे, तो आई आर इंडिपेंडेंट फ्रेम्स, तो वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं फॉर देयर वैल्यूज। ठीक, बी फ्रेम हमारे बाई डायरेक्शनल फ्रेम है और बी फ्रेम
आपके डिपेंड करते हैं अपने से आगे वाले आई फ्रेम पर और अपने से आगे और पीछे वाले आई एंड पी फ्रेम पे। अगर ये एरो इस तरह से भी मार्क है तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपनी जो फाइनल वैल्यू है वो लेकर के पी फ्रेम और आई फ्रेम से ही आएंगे। जैसे कि इस बी फ्रेम ने क्या किया, इससे अपनी वैल्यूज को लेकर के आया, देन इस फ्रेम ने यहाँ से जो पी की वैल्यूज होंगी उनको ये अडॉप्ट कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अपने से नेक्स्ट या पहले वाले बी फ्रेम पे ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बी फ्रेम हमेशा अपने से आगे और पीछे वाले दोनों डायरेक्शन के पी और आई फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो ये है अपना सिंपल एक जी ओ पी का स्ट्रक्चर। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ अपने पास चीजें भी है यहाँ पर। हाँ ऋषि, आप अनम्यूट।